हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुबह इस्माइल और आप देख रहे हैं हमारा वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, मुंबई वर्सेस कराची वर्सेस ढाका। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन होने वाला है इन तीन सिटीज का। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के तीन सबसे बड़े और सबसे विकसित शहरों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका समेत कुल 8 देश आते हैं, लेकिन इन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़े देशों के रूप में जाना जाता है। खैर, आज हम देश की नहीं बल्कि इनकी सिटीज के बारे में बात करेंगे, कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा शहर सबसे बेहतर है, जिसमें पाकिस्तान का कराची, बांग्लादेश का ढाका और भारत का मुंबई सिटी शामिल है। इसलिए अगर आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरे प्यारे देश भारत से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप सभी लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। शुरुआत करेंगे कराची से। दोस्तों, कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वेस्टर्न साइड में समुद्र के किनारे बसा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान का 95% फॉरवर्ड ट्रेड भी इसी शहर से होता है। साथ ही पूरे पाकिस्तान की अधिकतर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां भी इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, कराची के पास मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर होने का खिताब भी है। कराची पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अगर कराची को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए तो इसी के साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी 20% घट जाएगी। वही भारत का मुंबई शहर आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसका मेन रीजन है यहाँ की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया की सभी फिल्मी इंडस्ट्रियों से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मुंबई पूरे देश में अकेला 30% से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, और करे भी क्यों ना, जहाँ पर भारत की अधिकतर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां सभी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स आदि अपने पैर जमाए बैठे हैं। यहाँ पर आना और काम करना हर भारतीय युवक की ख्वाहिश होती है, इसीलिए तो प्रतिदिन करीब 5 लाख लोग मुंबई आते हैं। और तीसरा शहर बांग्लादेश का ढाका। ढाका शहर बांग्लादेश की राजधानी है। बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर बसा यह देश का सबसे बड़ा शहर है, जो पूरे बांग्लादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। ढाका की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद में 40% से भी ज्यादा का योगदान करती है। एरिया यानी कि इन शहरों के क्षेत्रफल को देखा जाए तो तीनों शहरों का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके का है। जब भारत की मुंबई का टोटल एरिया 603 किलोमीटर स्क्वायर है, तो वही पाकिस्तान का कराची एरिया वाइज मुंबई से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसका टोटल एरिया 3780 किलोमीटर स्क्वायर है, और बांग्लादेश के ढाका का एरिया भी 2161 किलोमीटर स्क्वायर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, यानी कि शॉर्ट में कहें तो HDI, जो किसी भी राज्य या फिर शहर की कंडीशन महज कुछ अंकों में बता सकता है। और इसी HDI के अनुसार मुंबई सिटी का HDI नंबर 0.846 है, वही कराची सिटी का 0.768 और ढाका का HDI नंबर 0.711 है। प्रति व्यक्ति आय, यानी कि इन तीनों शहरों में वो कौन सा शहर है जिसके लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, यानी कि द पर कैपिटल इनकम ऑफ दिस थ्री सिटीज। तो पहले बात करते हैं मुंबई सिटी की। इसका प्रति व्यक्ति आय इस समय पर $15,047 से है, जिसके सामने कराची सिटी का पर कैपिटल इनकम $5,059 है और ढाका का पर कैपिटल इनकम $7,544 है। यानी कि दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय में मुंबई के सामने ढाका और कराची कहीं पर नहीं ठहरते हैं। मगर दोस्तों, ये तो सिर्फ नॉमिनल पर कैपिटल इनकम की बात की। पर कैपिटल इनकम PPI में आंकड़ा और भी अधिक है, जिसमें मुंबई का पर कैपिटल इनकम $28,675 से है, कराची का 9,762 और ढाका का महज 9,375। दोस्तों, अगर आप पर कैपिटल इनकम को देखने के बाद यह सोच रहे हैं कि इनकी GDP में भी इतने अंतर होगा, तो आप कुछ हद तक सही सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ मुंबई इंडिया के GDP में महज 13% की हिस्सेदारी रखता है, तो वहीं पर कराची पाकिस्तान में 20% और ढाका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 40% से भी ज्यादा की कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि यहाँ पर हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज बांग्लादेश और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से काफी बड़ा है। इसलिए जहाँ कराची का नॉमिनल GDP $79 बिलियन है और GDP PPP $164 बिलियन है, ढाका का नॉमिनल GDP 169 प्लस 210 GDP परचेसिंग पावर पेरिटी है, तो वहीं पर मुंबई का नॉमिनल GDP ही $319 बिलियन का है और GDP परचेसिंग पावर पेरिटी $610 बिलियन से भी ज्यादा का है।
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और कमाल की वीडियो थी नवीद। मेरे ख्याल से ढाका कराची का जो कंपैरिजन है ना, मुंबई के साथ नहीं बनता। मुंबई जो है ना, वो रिच सिटी है और कमाल का है, और इन इनके लिहाज से ना वो बहुत आगे चला गया है बहुत फिर। आगे चला गया है, ऐसे ही है। अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए, जिस तरह हमने मुंबई वर्सेस दुबई का रिएक्शन वीडियो हमने दी थी लास्ट टाइम, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वाकई अब मुंबई वर्सेस कराची तो फिर वर्सेस ढाका, ये कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि हम सब यूं समझे उस दौर के, अंग्रेजों के दौर के गुलाम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, क्योंकि सब सारा हिंदुस्तान ही है। बंगाल को देख लें, आज आजाद हिंदुस्तान को देख लें, या पाकिस्तान को देख लें, ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। तो इनकी अगर उस हिसाब से हम अपने माजी से लेकर आज तक और आगे की पेशगोइयों के मुताबिक अगर कंपैरिजन करें तो मुंबई वर्सेस कराची की अगर सबसे पहले बात करते हैं, कराची में एक दौर था 1960 से पहले पहले कराची जो है लंदन जैसे जो शहर है उनका मुकाबले में आता था, ठीक है। लेकिन आज मुंबई यूरोप के जो एडवांस सिटीज हैं या जैसे दुबई है उनके मुकाबले में जा रहा है, ठीक है, मुंबई। तो कराची इस दौर में थोड़ा क्या बहुत पीछे हो गया, क्योंकि ढाका जो है वो अभी हमसे बेहतर हो गया है। उसकी एक वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी एक क्राइसिस भी है, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है, लेकिन हर लिहाज से अगर इन तीनों सिटीज को कंपेयर किया जाए तो जय महाराष्ट्र, मैं जय महाराष्ट्र हमेशा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, हमारी वीडियो में कमेंट भी करते हैं जय महाराष्ट्र, और हमें सपोर्ट भी करते हैं। और सपोर्ट से याद आया, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि हमारे रिएक्शन वीडियोस पॉजिटिव मैनर्स में है, जिस तरह हमारी कोशिश होती है एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, एज अ बलोच कपल, हम जो है एक पॉजिटिव वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें। अगर आप समझते हैं हम बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, अपना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो पॉजिटिव होता है, तो आप हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप में कम्युनिटी में जरूर शेयर किया करें, हमारी हर वीडियो को लाइक किया करें। उम्मीद करते हैं कि आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन एट द एंड इस सारे कंपैरिजन में मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देखें कराची यानी पाकिस्तान, ढाका यानी बांग्लादेश, इन दोनों ममालिक के पास वो विजन नहीं है जो जो इस वक्त इंडिया के मुंबई पास है। यानी कि इंडिया के पास है। 2040 से 50 के दरमियान जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के यानी के मद्देनजर रखते हुए जिस स्मार्ट प्रोजेक्ट पे पूरे इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, वहीं मुंबई पे जो है बहुत से मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं या पाए तकमील की तरफ पहुंच रहे हैं, ये इंडिया को बहुत एडवांस बनाने वाले हैं। तो इस लिहाज से मुंबई जो है ना आने वाले कुछ सालों के अंदर कराची वर्सेस ढाका नहीं होगा बल्कि मुंबई वर्सेस दुबई वर्सेस लंदन पेरिस, इस तरह का कंपैरिजन होगा, हाँ और उनमें मुंबई जो है वो एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला मुल्क होगा। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई खिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर जरूर बताया करें। बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड गुड बाय। बाय।